मेरी दोस्ती है, मेरा बचपन का प्रेम है। मैंने कभी मार्केट में तुमने मेरे को देखा चमनी करती करते हुए देखा होगा, कभी मेरे को दादा की करते हुए देखा होगा। धमकी मत तो दुकान पे आके बैठ के धमकी दे रहे हो आप। आपने बोला आप अभी मारूंगा आशीष को, सबके सामने बोला यहाँ दुकान पे बैठ के। इनसे प्रेम मोहब्बत है, इनसे बात आ गया था, मतलब ये वाली बात हो गई। यहाँ पे आके कल की चीज रिपीट कर रहे हो आप लोग, कल भी ऐसी चीज हुई थी। सरिता जी से अभी बात हुई है मेरी, क्या आप मार्केट को कोई तरीके से नहीं होगा, अब मैं तो जाप्ता भेज रही हूँ। प्रेम प्यार से प्रेम प्यार से जो कुछ हम बैठ के निमट लेंगे। अभी आके दुकान पे आके बोल रहे हैं तो कर रहे हैं अपन तो सुना, मैं तुम्हारे पास आया हूं आशीष को मारूंगा, क्या बोला आपने? आपकी सोन अभी कोई दादागिरी वाली नहीं, मैं आपको नहीं, आपने क्यों बोला मुझे एक बात बताओ। आपने किसी के भी मैंने कहा भाई साहब क्या बोले नहीं है आपकी सोन फूल लोगों को, मैंने कहा नहीं है तुम्हें बाद में आया, अभी आया नहीं आया आपके कहने पे। आपने जो आपकी इच्छा हो ना वो कर लो। अब देखो ये धमकी हुई ना, देखो और क्या है, फिर पुलिस के सामने धमकी दे रहे हो आपके, इनके सामने धमकी दे रहे हो आप। तू कह रहा है ना 60 मेरे भाई हैं, बोल रहे क्या बोल रहे, 30-35 अंदर भी हो जाए दो चार। पुरानी मंडी के अंदर पार्किंग व्यवस्था और ये टेम्पो और थ्री व्हीलर नहीं आए, इसलिए हमने खम्भे लगवाए थे। उसके संदर्भ में कल कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ विरोध किया था और हमारे को धमकियां दी थी, जिसके ऊपर हमने बाजार बंद किया था। बाजार बंद करने के बाद में डॉक्टर प्रियंका जो यहाँ पर डिप्टी एडिशनल एसपी हैं, उनने हमारे को पूरा आश्वासन दिया था कि आप बाजार खोलो और हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम रात को एक FIR लिखा करके आए, उसके बाद में हम रात को गए, हम आज बाज़ार नहीं खोल रहे थे, पर सुबह छोटीलाल जी मीणा के कहने पर उन लोगों ने हमारे को बोला कि आप बाज़ार खोलिए, आपको कोई डर माहौल नहीं करना है, और हम इस पूरे में इसको पूरे जाप्ता भेज रहे हैं, हम पूरा प्रोटेक्शन देंगे। उसके बाद भी यहाँ गुजर समाज जो है दो तीन जने, महेंद्र गुजर, कमल गुजर और बीरा, ये तीनों चारों गीता गुजर के कहने के ऊपर यहाँ पर आकर दुकानदारों को व्यापारियों को धमकियाँ देने लगे, तो मोटरसाइकिलों को लात मार मार करके तोड़ने लगे, तो उसके ऊपर बाजार थोड़ा सा वापस हो गया। वापस इकट्ठा होने के बाद बंद करने का माहौल बना, पर प्रियंका डॉक्टर प्रियंका ने आकर के माहौल संभाला। छोटीलाल जी गुजर समय पर आ गए थे, पूरा जाप्ता पुलिस का हमारे साथ में है और हमें पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन और पूरा सहयोग मिल रहा है। हाँ, मेरी दुकान के ऊपर आज की तारीख के अंदर महेंद्र गुजर आकर के धमकियां देता है कि आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हो, अध्यक्ष हमारा क्या कर लेगा, हमारा तो रोज का तो जेल में जाना आना, हमारे को तो गुंडे की वो मिल गई है, तो हम पुलिस से नहीं डरते हैं, देख लेते हैं तेरे को क्या करना है, तू अध्यक्ष बन, तेरे को हम सब देख लेंगे, तेरा शोरूम तोड़ देंगे, शोरूम है पुरानी मंडी, इस तरह की धमकियाँ। हम लोग व्यापारी आदमी हैं, पुलिस प्रशासन सामने खड़ा था पर वो भाग के गया, पुलिस प्रशासन ने पकड़ा नहीं उसको बस। और इस तरह पुरानी मंडी में हम धंधा करते हैं, व्यापारी आदमी हैं हम किसी तरह से कोई भी बन रहा हो ना, हम किसी भी तरह का वो माहौल नहीं चाहते हैं, हम शांति से धंधा कर रहे हैं और अपने पुलिस प्रशासन के सहयोग से अपने बाजार को सुचारू करने के लिए हम एसोसिएशन बनाई है। करा दिया हमने, मुकदमा दर्ज आज करा दिया है उनके खिलाफ, उनको अरेस्ट भी किया है इन लोगों ने। अब देखो आगे पुलिस प्रशासन हमारे साथ में सहयोग दे रहा है और हम इनसे पूरा संतुष्ट हैं। किशन गुप्ता, पुरानी मंडी व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष।